ओके, इसका ताल्लुक बिलीफ से है जो आप कह रहे हो, इसका ताल्लुक इंसिडेंट से है, आपने मुख्तलिफ इंसिडेंट होते देखे। लाइक एक साहब जंग में थे, बहुत बड़े आदमी थे, अचानक फौत हो गए। खूबसूरत घर था, खूबसूरत गाड़ी थी, 3 बच्चे थे। अभी जनाजा घर नहीं पहुंचा था, छोटा भाई उनकी बीवी के पास गया और कहा कि भाभी इट हैज़ हैपन, तो चाबी दीजिए इंतजाम करने। एंड ही वेंट, ही नेवर केम बैक। अभी जनाजा घर नहीं पहुंचा था, दौलत वाज देयर। उसको दफनाने के महज 3 या 4 दिन के बाद बाकी भाइयों ने उस खातून को बच्चों समेत उस घर से निकाल दिया। वेल्थ वाज देयर, एवरीथिंग वाज देयर। उसने बाकी 10-12 साल एक कमरे के घर में गुजारे, पर वो रोई कभी नहीं। उसने अपने बच्चों से कहा कि कीड़ा बन के नहीं जीना, मकौड़ा बन के नहीं जीना। तुम्हारे बाप ने पैसा कमाया, नहीं काम आया, सो यू नीड समथिंग मोर देन दैट। लोग पुलिस में क्यों जाते हैं, लोग फौज में क्यों जाते हैं? पैसे के लिए। अभी तो उनके पैसे भी नहीं पूरे होते। रिस्पेक्ट के लिए। लोग इतनी आसानी से जान कैसे दे देते हैं, मर क्यों जाते हैं? बिकॉज सड़क पर नाम लिखा जाता है। जब परचम में लाश लिपटी घर आती है तो उस वक्त लोग रो नहीं रहे होते, वो कहते हैं मेरा एक बेटा और होता वो भी देता या वो भी देती। कुछ ऐसा होता है जो बाकियों से फ़र्क होता है। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जो शहीद होने वाले जब उठाए जाएंगे तो ये अल्लाह से कहेंगे और इनके जिस्म से वैसा ही ताज़ा खून बहरा होगा जैसा उस लम्हे हुआ होगा। और इनको जब जख्म लगता है या गोली लगती है तो उन्हें इतनी ही पेन होती है जितनी सुई चुभने से होती है, ज़्यादा नहीं होती। पर एंड ऑफ द डे दे इंजॉय रिस्पेक्ट। अच्छा, एक बार और याद रखिए, जब अदारों में डाउन साइजिंग होती है, जब अदारों में राइट साइजिंग होती है, किन को निकाला जाता है? जो सबसे अच्छा काम करने वाले होते हैं, जो सबसे सॉफ्ट काइंड मोहब्बत करने वाले मेहनती दयानतदार, उनको निकाला जाता है। या जो 9 बजे की जगह 8 बजे आ जाते हों और 9 बजे की जगह 12 बजे आते हों और शाम को टाइम देखकर उससे पहले उठ के चले जाते हों। जिंदगी में 9 से 4 नौकरी करने वालों की पूरी दुनिया में कोई इज्जत नहीं है। दिस इज नॉट करियर, इट्स बीइंग सेड। ये क्लेरिकल गुलाम लोग हैं, नौकर लोग हैं। दे कैन नॉट ग्रो, इवन दे कैन नॉट थिंक टू ग्रो। नौकर कैसे मालिक बन सकता है? जिसने मालिक बनना है, जिसका करियर इज डिफरेंट देन द जॉब। करियर इज नॉट ए नौकरी। अभी आधा घंटा पहले मैं आपके लिए एक चीज पढ़ रहा था। उस खातून का नाम मैं आपको बताऊं, आपको वो नाम उसका याद रखिएगा, याद रखेंगे तो बड़ा फायदा होगा। मैगी मैकडोनल्ड नाम है उसका, मैगी मैकडोनल्ड, कनाडा की है, खूबसूरत है दिखने में भी। इसको पिछले साल दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने दिया और उसके साथ जो वर्क के फाउंडेशन है उसका मालिक है सनी, ही वॉज देयर। ये कनाडा के एक गांव में जॉब करती है, शी इज ए टीचर। उस गांव में सड़क नहीं जाती, वो इतना फार अवे है, पर पिछले 7 साल से वो खूबसूरत लड़की उस गांव में काम करती है जहां किसी लड़की की इज्जत महफूज नहीं है। द पीपल आर लाइक एनिमल्स, दे बिहेव लाइक एनिमल्स। वहां की छोटी छोटी बच्चियां, दे गॉट प्रेग्नेंट और उनको मार दिया जाता है। वहां खुदकुशी सबसे, वहां भूख और अफलास नाचती है। एंड शी सर्व्ड, वहां कोई आदमी टिकता नहीं है, कोई टीचर उसको बैयर वहां छोड़ा जाता है। उसने वहां रहा, उसने अपने उन बच्चों की मदद से फंड्स इकट्ठे किए और कम्युनिटी के लिए एक बड़ा किचन बनाया। उन बच्चों के लिए उसने पूरा सिलेबस बदल के रख दिया, वो जो कभी आते नहीं थे। 500% बच्चियाँ वहाँ ज़्यादा आने लग गई। फिर उसने उनके घरों में जाके, दे वर द मोस्ट डर्टीस्ट बॉयज एंड गर्ल्स, जिनकी ज़िंदगी में कुछ था ही नहीं, ना उनके माँ बाप की ज़िंदगी में, स्वाइक क्राइम के, दे वर जस्ट लाइक एनिमल्स, नॉट लाइक ह्यूमंस। उस एक लड़की ने, इट वॉज नॉट अ जॉब फॉर हर, she opted, she lived।
एंड एंड ऑफ द डे जब उसको पूरी दुनिया ने सिर्फ 6 साल के बाद माना तो उसको ग्लोबल टीचर का अवार्ड मिला। ये 12 करोड़ रुपए का अवार्ड है, $1 मिलियन कैश का अवार्ड है। ये लोग कैसे पहुंचे, कैसे पता चलता है कनाडा के उस फार अवे जगह पे? ये नौकरी पेशा लोगों के लिए नहीं होता, ये करियर वाले लोगों के लिए होता है। इसे 2 साल पहले एक फिलिस्तीन की लड़की थी उसको मिला, और इस साल जिसको मिला वो बरतानिया की है। वो एक छोटा सा शहर है जिसमें 135 मुल्कों के लोग रहते हैं, सोमालिया के, गुजराती, पंजाबी, हिंदी, दुनिया की वर्स्ट कौमों के वर्स्ट लोग वहाँ पे रहते हैं। और जो स्कूल था, आप सोचें वो कैसा स्कूल होगा, जहाँ लोग शौकिया एक दूसरे को मार देते हैं, जहाँ एवरेज हफ्ते में 5 से 6 लोग खुदकुशी करते थे, जहाँ क्राइम का रेट ये था कि बच्चे भी शराब पीते और नशा करते थे। शी स्टेड देयर फॉर 7 ईयर्स। और पिछले साल बरतानिया का जो मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट है उसने बरतानिया के 10 बेहतरीन स्कूलों में से उस स्कूल को W ग्रेड दिया है, और इस साल उस लड़की को 12 करोड़ रुपए का इनाम मिला है। वो लोगों के, अच्छा उसने पूरा सिलेबस बदल दिया। वो लड़कियां जो इन घरों से थीं, उनके अंदर भी ख्वाहिश थी खेलने की, उनके लिए उसने अलग इंडोर गेम्स की, उनको मौका दिया खेलने का और उनकी टीम बनाई। और अभी पिछले साल उस यानी यूँ समझें कचरा किस्म की आबादी की लड़कियों ने बरतानिया में जो फीमेल क्रिकेट थी वो जीती है। उसने उनका एथिकल बैकग्राउंड ठीक किया, उनका एजुकेशन उनको सेटअप किया, उनके लिए उनके घरों पे उनकी माँ के साथ जाके मिला, उनको ग्रो किया। इवन जिन लोगों को नहाने का, मुंह धोने का, कपड़े बदलने का कोई ना हो, जब भी आप किसी करियर में होते हैं, आप टॉप पे होते हैं, करियर आप ओढ़ लेते हैं, करियर में आप जीते हो, करियर में नौकरी नहीं करते। अच्छा, हमारे यहाँ कई लाख उस्ताद हैं, कोई गिनती में नहीं आता। हमारे यहाँ कितने मैनेजर्स हैं, कभी किसी गिनती में आए? हाँ, अगर आपको याद हो कुछ अर्सा पहले KFC में एक ब्रांच में आग लगी थी तो सबका कंसर्न था कि वहाँ जितने लड़के काम करते थे वो सारे डेफ एंड डम थे, ना सुन सकते थे ना बोल सकते थे, पर किसी को आज तक खबर नहीं हुई। 2 ब्रांचें ऐसी हैं, कराची में, एक लाहौर में, बिकॉज दे हैव द स्माइलिंग फेस। लखानीज ने उनके लिए वो ब्रांचेस डिज़ाइन की, तो उनका करियर जहाँ पे होगा वो सीखेंगे, वो मुस्कुराएंगे, वो सर्व करेंगे, वो ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं, नो कैन ट्रेस। सो करियर इज समथिंग डिफरेंट जिसकी शेप ही फर्क होती है।